नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल कलाम स्टडी में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम चर्चा करते हैं जो सीटेट लेवल सेकंड का पेपर हुआ था 7 जुलाई को, उस पेपर की जो आंसर की है वो हमारे पास आ गई है और उसका जो फर्स्ट लैंग्वेज जिनके पास हिंदी था इसकी चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे। तो दोस्तों, आप हमारे साथ बने रहें, वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखें, तो नीचे कमेंट करके हमें बताएं कि आपके कितने क्वेश्चन इस आंसर की से आपके सही हो रही हैं। ये आंसर की दोस्तों विशेषज्ञों द्वारा तैयार की गई है जो 100% सही है। फिर भी आपको कोई कन्फ्यूजन लगे तो आप हमें कमेंट करके बताएं जरूर। अब बता दूं दोस्तों आपको कि ये जो आंसर की है ये जिनके पास पेपर का एक्स कोड था उनके लिए तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, प्रश्न कंटिन्यू मिल जाएंगे, और जिनके एक्स कोड के अलावा कोई दूसरा पेपर था वह दोस्तों अपनी क्वेश्चन मिला लें, जैसे मैं आंसर बोलूँ उसका आंसर भी अपने साथ मिला लें। इसमें 91 से 120 तक क्वेश्चन है, ये हम चर्चा करेंगे। तो हमारे साथ बने रहें दोस्तों, वीडियो को पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। अब ये गद्यांश दिया गया है कि निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्न 91 से 99 तक में सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनना है। तो पद्यांश दोस्तों आपने एग्जाम दिया तो पढ़ाई होगा, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्ट आंसर पे आता हूँ। पद्यांश को मैं धीरे धीरे चला देता हूँ, आपको पढ़ना है तो आराम से पढ़ लीजिए, वीडियो को प्यूज करके आप इसको आराम से पढ़ सकते हैं। तो यह है पद्यांश। अब हम डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर पर चलते हैं, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन उनके आंसर आपको बताऊंगा जिससे ज़्यादा समय का वीडियो भी ना बने और ज़्यादा समय भी आपको न लगे। तो क्वेश्चन दोस्तों मूल्यांकन के बारे में सत्य नहीं है। तो मूल्यांकन के बारे में क्या सत्य नहीं है, तो इसका हो जाएगा यह सीखने की एक विधि है, यानी 3 नंबर सही हो गया। नेक्स्ट है, समास की दृष्टि से कौन सा पद शेष से भिन्न है। तो समास की दृष्टि से कौन सा पद है वह शेष से भिन्न है, तो दिन प्रतिदिन यह भिन्न है। नेक्स्ट देखते हैं, विद्यार्थी के लिए अनुच्छेद में प्रयुक्त अन्य पर्यायवाची शब्द है, तो कौन सा अन्य पर्यायवाची शब्द है, तो यह हो जाएगा दोस्तों शिक्षार्थी या छात्र। नेक्स्ट है, सहभागिता शब्द का निर्माण किस उपसर्ग और प्रत्यय से हुआ है, तो यह दोस्तों हुआ है सहजोड़ता से, सहभागिता सह और ता से हुआ है। अगला है, अनुच्छेद में प्रयुक्त समकालीन शब्द सबसे उपयुक्त अर्थ होगा, तो समकालीन शब्द का जो सबसे उपयुक्त अर्थ होगा वह हो जाएगा दोस्तों समसामयिक। नेक्स्ट है, कौन सा कथन आज के शिक्षक की भूमिका के बारे में सत्य नहीं है। तो कौन सा कथन दोस्तों आज के शिक्षक के बारे में सत्य नहीं है, तो यह है परंपरागत शिक्षण विधियों को छोड़ा नहीं जा सकता, यह कथन सत्य नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, शिक्षक में किस प्रकार की बाधाएं दूर करने की अपेक्षा की गई है। तो शिक्षक से दोस्तों पाठ पढ़ाते समय आने वाली बाधाओं को दूर करने की अपेक्षा की गई है। नेक्स्ट है, आधुनिक कविता में महत्वपूर्ण क्या है। तो आधुनिक कविता में जो महत्वपूर्ण है वह दोस्तों लय एवं प्रवाह है, आधुनिक कविता में महत्वपूर्ण है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तो उस गद्यांश से ये अंतिम क्वेश्चन है, तो कहानी के द्वारा लेखन विद्यार्थियों में कल्पनाशीलता और अभिव्यक्ति की कुशलता बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण गतिविधि हो सकती है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ये हो जाएगा कहानी की विधा या परिवर्तन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों का, यानी 100 से 105 तक प्रश्न है, इनके आपको आंसर काव्यांश को पढ़कर देने हैं, तो ये काव्यांश आप आराम से पढ़ लीजिए, उसके बाद हम डायरेक्ट आंसर पे चलते हैं। तो छोटा ही ज़्यादा बड़ा काव्यांश नहीं है, मैं भी आपको पढ़ के बता देता हूँ कि आकाश का साफा बांध कर सूरज की चीलम खींचता, बेटा है पहाड़ घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी, पास ही दहक रही है पलाश के जंगल की अंगीठी, अंधकार दूर पूर्व में सिमटा बैठा है भेड़ों के गल्ले सा, अचानक बोला मोर जैसे किसी ने आवाज़ दी, अजी सुनते हो चिलम आंधी धुआं उठा, सूरज डूबा अंधेरा छा गया। तो ये दोस्तों काव्यांश था, तो इसके हम 6 क्वेश्चन आगे देखते हैं जिनके आंसर आपको देने हैं। तो एक क्वेश्चन देखते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 100 है, तो यह दोस्तों अंधकार के सिमटकर बैठे होने का कारण क्या है। तो अंधकार उसके बैठकर सिमटकर बैठे होने का कारण है कि अभी सूर्योदय नहीं हुआ है। नेक्स्ट है, अचानक तुरंत फुरत घटनाएं होने का कारण क्या है। तो अचानक तुरंत फुरत जो घटनाएं हैं उनके होने का कारण है दोस्तों सुनते हो कि आवाज़, इससे अचानक तुरंत फुरत होने की घटना का कारण है। नेक्स्ट देखते हैं, सिमटा बैठा है भेड़ों के गल्ले सा, किस विकल्प में सभी का गल्ला के समानार्थी है। तो किस विकल्प में है दोस्तों, तो यह है रेवड़ झुंड भीड़ रिल्ला। नेक्स्ट है, कविता में 2 समानार्थी शब्द हैं, अंधकार और अंधेरा, इन दोनों के बारे में कौन सा कथन है सत्य है। तो कौन सा कथन दोस्तों इसके बारे में जो सत्य है वह दोनों ये का दूसरा तद्भव है, तो अंधेरा क्या है तद्भव शब्द है।
नेक्स्ट देखते हैं, शाम का सजीव चित्रण करने के लिए किस रूपक को अनुपयुक्त माना जा सकता है? तो शाम का चित्रण करने के लिए जिस रूपक को अनुपयुक्त माना जाता है वह है आकाश का साफा। नेक्स्ट है, प्लास वन को अंगीठी कहा गया है, क्यों क्यों कहा गया है? तो प्लास वन को अंगीठी इसलिए कहा गया दोस्तों कि खिले पताश के वन आग के समान दिखते हैं, तो इसलिए प्लास के वन को अंगीठी कहा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंतिम क्वेश्चन है इस काव्यांश से, यह है उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों के भाषा विकास के लिए जरूरी है। रिक्त स्थान दिया गया है, समृद्धि की भाषा फिर रिक्त स्थान है, वह अन्य विषयगत शिक्षण युक्ति का उपयोग कीजिए। तो इन दोनों रिक्त स्थानों में क्या आएगा? तो इनमें आ जाएगा दोस्तों परिवेश और भाषिक, यानी उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों के भाषा विकास के लिए जरूरी है कि परिवेश, समृद्धि का भाषा, भाषिक व अन्य विषयगत शिक्षण युक्तियों का उपयोग किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उच्च प्राथमिक स्तर की हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तकों में हिंदीतर भाषा को भी जगह मिलनी चाहिए, इस कथन का औचित्य नहीं है। तो इस कथन का दोस्तों क्या औचित्य नहीं है? तो यह हो जाएगा हिंदीतर भाषियों में के आक्रोश को शांत करना, इस कथन का औचित्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट है, विद्यार्थियों को पढ़ने में रुचि जगाने एवं भाषा ज्ञान में वृद्धि के लिए पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त आगे रिक्त स्थान दिया गया है, तो इसमें क्या आएगा? तो इसमें आ जाएगा दोस्तों पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त पाठ्यचर्या, सहगामी क्रियाओं का अधिकाधिक आयोजन किया जाना चाहिए। तो ये इसका राइट आंसर हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो 109 नंबर क्वेश्चन है, यह उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों के भाषाई आंकलन की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो महत्वपूर्ण जो प्रश्न है वह कौन सा दोस्तों? यह नीलकंठ की नृत्य भंगिका को अपने शब्द चित्र में प्रस्तुत कीजिए। अगला प्रश्न है, भाषा अर्जित करने के संदर्भ में रिक्त स्थान सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो भाषा अर्जित करने के संदर्भ में जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है वह समृद्ध भाषा एवं परिवेश। नेक्स्ट है, बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की भाषाओं को स्थान देने के लिए आवश्यक है कि, तो क्या आवश्यक है इसके लिए? तो इसके लिए दोस्तों आवश्यक है शिक्षक बच्चों के मातृभाषा प्रयोग का स्वीकार करे, तो इसके लिए यह आवश्यक हो जाता है। तो 2 नंबर इसका राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 8वीं कक्षा में पढ़ने वाली रूबीना लिखने में बेहद कठिनाई का अनुभव करती है, संभव है कि वह खालिस्तान से ग्रसित है। तो रूबीना लिखने में कठिनाई अनुभव करती है, तो ये एक रोग है, तो इसका क्या हो जाएगा? ये डिसग्राफिया रोग है। तो 2 नंबर इसका हो जाएगा डिसग्राफिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा के विविध रूपों से परिचित कराने में रिक्त स्थान सर्वाधिक सहायक है। तो इसमें क्या सर्वाधिक सहायक है? तो हिंदी भाषा का साहित्य व अन्य मुद्रित सामग्री इसमें सर्वाधिक सहायक है। तो 1 नंबर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं, भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में मुख्य अंतर का आधार नहीं है। तो भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में जो मुख्य अंतर है उसका आधार क्या नहीं है? तो उसका आधार नहीं है व्याकरण। नेक्स्ट है, स्त्री को सौंदर्य का प्रतिमान बना दिया जाना ही उसका बंधन बन जाता है, इस विषय पर कक्षा में चर्चा कीजिए, तब भाषा की पाठ्य पुस्तक में इस प्रश्न को स्थान देने का क्या औचित्य है? तो इसका जो औचित्य है वह दोस्तों वह है कि भाषा को स्त्री विमर्श से जोड़ना इसका औचित्य बन जाता है। अगला जो क्वेश्चन देखते हैं वह है, पाठ में ठिठियाकर हंसने लगी जैसा वाक्य आया है, तो ठिठियाना शब्द में आना प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, तो आना प्रत्यय से बनने वाले 4 सार्थक शब्द लिखिए, इस प्रश्न का स्वरूप रिक्त स्थान को पोषित करता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वह हो जाएगा संदर्भ में व्याकरण। तो 2 नंबर इसका सही आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उच्च प्राथमिक स्थान पर रिक्त स्थान परिचित कराने की प्रक्रिया पर बल दिया जाता है, तो उच्च प्राथमिक स्तर पर बल दिया जाता है, तो यह दिया जाता है दोस्तों साहित्य के विधाओं पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण सिखाने की किस विधि को आप सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपयोगी पाते हैं? तो किस विधि को आप सर्वाधिक उपयोगी महत्वपूर्ण पाते हैं? तो यह हो जाएगा दोस्तों आगमन विधि को। तो आगमन विधि इसका राइट आंसर हो गया। अब 2 क्वेश्चन बचे हैं, देखते हैं, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। तो उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का क्या उद्देश्य नहीं है? तो यह दोस्तों भाषा के व्याकरणिक बिंदुओं की परिभाषाओं को जानना, तो यह इसका राइट आंसर हो गया। अब हिंदी लैंग्वेज, जिनके फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी था, उनका यह अंतिम क्वेश्चन है कि भाषा की नियमबद्ध प्रकृति को पहचानना और उसका विश्लेषण करना उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का क्या है?
तो दोस्तों मुख्य उद्देश्य है, भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है, तो ये इसका राइट आंसर हो गया। दोस्तों वीडियो में कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं आप हमें नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो उसके पास जो बेल आइकॉन घंटे का निशान है उस घंटे के निशान को आप जरूर दबा दें, जिससे आगे आने वाले सभी वीडियो की जानकारी आप तक पहुँचती रहे। धन्यवाद दोस्तों।